कारखानों की बढ़ती संख्या, नदी नालों में हो रहा बेशुमार रेती उत्खनन के कारण नदियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। मऊदा तालुका में कन्हान सुरसान नदी का विस्तीर्ण पात्र आता है, लेकिन आज इन नदियों में रात दिन अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है। मऊदा तालुका में दिनों दिन कारखाने बढ़ रहे हैं। इनमें से कई कारखानों का दूषित पानी नदी नालों में छोड़ा जाता है, जिस कारण नदी नालों में जल प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन इस समस्या को रोक लगाने में संबंधित विभाग पूरी तरह असफल रहा है। इस समस्या को हल करने हेतु प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो नदी नाले का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और पवित्र कही जाने वाली नदियां केवल धार्मिक ग्रंथ के पन्नों पर ही पवित्र रह जाएगी। और दुख के साथ कहना पड़ेगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। कारखान्याचं दूषित पाणी आणखी जे ज्या गावामधनं लागून आपलं नाला वाहत आहे तर त्याचं जे केर कचरा असते ते पूर्ण नदीच्या काठावरती टाकलेलं असते आणि वरून जे मोठ्या प्रमाणामध्ये रेतीचा उपसा होत आहे त्याच्यामुळे पण त्याच्यामधले जे आहे ते खोलीकरण होत आहे आणि रेतीचं प्रमाण कमी होत आहे नाल्यामधनं। अगोदर रेती खूप प्रमाणात नदीमध्ये असायची, त्याच्यामुळे कसं शुद्ध पाणी राहायचं, आता त्याच्या रेती नसल्यामुळे पूर्ण पाणी असं गढूळ होत आहे। सरकारने काय करायला पाहिजे? सरकारने त्याच्यावरती काहीतरी ठोक निर्णय घेऊन बरोबर व्यवस्था करायला पाहिजे, कारण की जे गावालगत जो नाला वाहते त्याच्यामध्ये केरकचरा पण टाकलेला जाते आणि मोठ्या प्रमाणात जे पॉलिथीन असते ते पॉलिथीन पण त्या नदीमध्ये वाहत राहते आणि पूर्ण गावाचं जे कचरा आहे घाण आहे ते नदीच्या काठालगत टाकलेलं असते। मऊदा से BCN न्यूज के लिए संजय गिरडे की रिपोर्ट।